अहम खबर है। आज चुनाव तारीखों के ऐलान से ठीक पहले दोपहर 12 बजे, जी हाँ दोपहर 12 बजे टीवी 9 भारतवर्ष लोकसभा चुनाव पर लेकर आ रहा है सबसे बड़ा और विश्वसनीय ओपिनियन पोल। टीवी 9 भारतवर्ष की गारंटी, 543 लोकसभा सीट में हर एक सीट का सर्वे, टीवी 9 भारतवर्ष की गारंटी, नतीजों से पहले सबसे सटीक सर्वे रिजल्ट। तो आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव का ऐलान होना है और आज की सबसे बड़ी खबर भी यही है, 7 घंटे बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। लोकसभा चुनाव 6 से 7 चरणों में संभव है। पहला चरण 17 से 20 अप्रैल के बीच संभव है। तो आज की सबसे बड़ी खबर, आज होंगे लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान। आज दोपहर 3 बजे लोकसभा के चुनावी रण का बिल्कुल बच जाएगा, चुनावी तारीख की घोषणा होगी। टीवी 9 के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव 6 से 7 चरणों में होगा। पहला चरण 17 से 20 अप्रैल के बीच होगा। आखिरी दौर का मतदान 22 और 23 मई के आसपास होने की संभावना है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आपके राज्य में कितने चरण में चुनाव हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में 6 से 7 चरण में वोटिंग होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में 3 से 4 चरण, राजस्थान में 2 से 3 चरण, महाराष्ट्र में 4 से 5 चरण, इसके साथ ही दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में 1 चरण में मतदान होगा। तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल के दक्षिण राज्यों में 1 चरण में वोटिंग होगी। केंद्र शासित प्रदेशों में 1 चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। लोकसभा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की टीम पूरी तैयारी कर चुकी है। शुक्रवार को दोनों नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने पदभार संभाल लिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ तारीख को लेकर चर्चा की। टीवी 9 के सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक नामांकन प्रचार के लिए 30 से 32 दिन का समय दिया जाएगा। मई के आखिरी हफ्ते में परिणाम और इसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी लोकसभा के साथ ही होगा। राज्यों के मौसम, पर्व, त्योहारों को ध्यान में रखकर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही देश भर में आचार संहिता लागू हो जाएगी। आज चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। चुनाव तारीखों के ऐलान से 1 दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। चुनाव आयोग आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाएं बीजेपी, आरएसएस का हथियार। राहुल गांधी यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी की सरकार बदलेगी तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। में जो हमारे इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे वो आज इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान के नहीं है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूँ ये फिर से कभी नहीं होगा। 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने ईवीएम की गड़बड़ी का आरोप लगाया था और कहा था कि इसके बारे में बार बार कहने के बावजूद चुनाव आयोग सुनवाई नहीं कर रहा है। और आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, इसे लेकर राजनीतिक दलों के अलग अलग तरीके से दलों ने प्रतिक्रिया दी है, अपने रिएक्शंस दिए हैं और अपने अपने दावे भी किया। ये देखते सियासी पार्टियों को इस घड़ी का इंतजार था। चुनावी तारीखों के ऐलान को लेकर राजनीतिक दल काफी उत्साहित हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे और माननीय मोदी जी को जनता एक अपने परिवार के सदस्य की तरह, अभिभावक की तरह मानती है। उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता समझ चुकी है कि इस बार मोदी जी 400 पार और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सब लोग अपने वार रूम से लेकर, अपने बीएलओ से लेकर और ट्रेनिंग कैंप से लेकर हम सब चीज़ की तैयारी कर बैठे हैं और पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ा है। चुनाव तारीख के आज होने वाले ऐलान को लेकर राजनीतिक दलों ने अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया जताई है। बीजेपी जहां इस बार अकेले दम पर 370 से ज्यादा सीट जीतने के दावे कर रही है, वहीं कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने और देश को अच्छी सरकार देने के दावे कर रही है।
हर बूथ पर हर बूथ को जीतने का संकल्प है। 370 प्लस प्रधानमंत्री जी का टारगेट है, उसको मध्य प्रदेश के अंदर पूरा करेंगे। 29 की 29 सीटें ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। हमारी तैयारी तो बहुत बहुत बेहतर है। सब लोग आज जब एक गठबंधन बनाए उसके साथ आएंगे, एक अच्छा हम लोग नेतृत्व देंगे। और लोकसभा चुनाव को लेकर देश में जनता का जोश कैसा है, इस पर TV9 भारतवर्ष ने अलग अलग शहरों में आम लोगों की प्रतिक्रियाएं जानी हैं। आइए सुनते हैं चुनाव को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले TV9 भारतवर्ष ने देश के अलग अलग शहरों में ये जानने की कोशिश की कि चुनाव को लेकर जनता के कैसे उत्साह हैं। इस पर दिल्ली के लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी। अभी तक तो जो मोदी जी ने काम किए हैं उसको लेके जब बात होती है तो बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। सरकार ने ऐसे ऐसे बड़े काम किए हैं जो अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई। किराड़ी विधानसभा हो, इन सभी विधानसभाओं में आप, मैंने ये चीज नोटिस करी है, जल भराव और सीवर की जो समस्या इतनी ज्यादा बदहाल है कि जिसकी वजह से पानी भी दूषित हो रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में देश के लोग किन मुद्दों को तरजीह दे रहे हैं, इस पर भी हमने लोगों से उनकी राय जानी। मुद्दे की बात ऐसी है, 10 साल से मोदी जी विकास की गति को दौड़ा रहे हैं। आज स्थिति क्या है, आज केवल विकास 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 की बात होती है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में अब की बार फिर भाजपा 400 की पार जाएगी। और लोकसभा चुनाव में देश का मूड क्या है, इस बार NDA को कितनी सीटें मिलेंगी, इंडिया फ्रंट का प्रदर्शन कैसा होगा, सभी सवालों का जवाब आज आपको TV9 भारतवर्ष के ओपिनियन पोल में दोपहर 12 बजे मिलेगा। क्या लोकसभा चुनाव में NDA गठबंधन 400 सीटें पार कर पाएंगे, क्या सत्ता की हैट्रिक लगा पाएगी केंद्र सरकार, मोदी की गारंटी पर देश की जनता को कितना भरोसा है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बदले हुए सियासी समीकरणों का सबसे ज्यादा फायदा NDA को मिलेगा या फिर इंडिया गठबंधन को, ये सवाल पिछले कुछ दिनों से हर किसी के मन में उठ रहा होगा कि आखिर इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। आज TV9 के ओपिनियन पोल में ऐसे हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। 543 लोकसभा सीटों का सबसे पारदर्शी सर्वे, आप सीट पूछिए हम नतीजे बताएंगे, आपको फोन पर रिजल्ट की जानकारी मिलेगी। इसके लिए आपको 01204900993 पर फोन करना पड़ेगा। TV9 भारतवर्ष पर जनता से सीधे संवाद होगा कि आखिर क्या कहता है ओपिनियन पोल। 01204900993 नंबर पर अपनी सीट का रिजल्ट आप पूछ सकते हैं। #TV9 ओपिनियन पोल पर सवाल करें, यानी फोन लगाओ और रिजल्ट पाओ। टीवी पर पहली बार गारंटी वाला सर्वे आज आप देखेंगे दोपहर 12 बजे से। और दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने तेलंगाना के पूर्व CM के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को हैदराबाद में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया और देर रात दिल्ली ले आई। ईडी की टीम ने जब BRS नेता की कविता को गिरफ्तार करने हैदराबाद में उनके घर पहुंची तो उनके समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। उनके घर के बाहर समर्थकों का हुजूम जमा हो गया, जबरदस्त नारेबाजी हुई। पुलिस ने BRS समर्थकों पर काबू पाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया। समर्थकों के हंगामे के बीच ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ दिल्ली ले आई। दिल्ली में ईडी ऑफिस के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली में की कविता को कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। और शराब घोटाला केस में दिल्ली के CM केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उन्हें आज एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होना होगा। दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकते हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट के सेशन जज राकेश सयाल ने ईडी की शिकायत पर ACMM की कोर्ट के जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद CM अरविंद केजरीवाल को आज एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में पेश होना होगा। मामले में केजरीवाल एक बार CBI की पूछताछ में पेश हो चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च यानी कि शनिवार को कोर्ट में पेश होकर बताना होगा कि ईडी के समन की तामील क्यों नहीं की, या फिर ये भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो कोर्ट के सामने पेश होकर व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग करें, या फिर ये कहें कि
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल की पेशी हो, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल को राहुलगंज की सेशन कोर्ट से किसी भी तरीके की राहत नहीं मिली है। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले मामले में 8 बार समन जारी किया है, लेकिन एक भी समन पर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आज कर्नाटक से बीजेपी चुनावी कैंपेन का आगाज करेगी। पीएम मोदी आज कलबुर्गी में पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की जबरदस्त शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। पीएम मोदी कर्नाटक के कलबुर्गी में दोपहर करीब 2:15 बजे एक जनसभा को संबोधित करने के साथ ही चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर देंगे। पीएम मोदी की रैली कलबुर्गी के एनवी खेल मैदान में होगी। कलबुर्गी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह जिला है। यहां से खड़गे 2009 और 2014 में लोकसभा का चुनाव जीते थे, लेकिन साल 2019 में बीजेपी प्रत्याशी से हार गए थे। दक्षिण में कलबुर्गी लोकसभा सीट की अहमियत को देखते हुए पिछले साल मई में पीएम मोदी कलबुर्गी गए थे और यहां रोड शो भी किया था। ऐसे में कलबुर्गी में होने वाली पीएम मोदी की रैली को बेहद अहम माना जा रहा है। कर्नाटक बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि ये दक्षिण का एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी अपने दम पर सत्तारूढ़ रह चुकी है। दक्षिण भारत से बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में बहुत उम्मीद है। पीएम मोदी इस साल की शुरुआत से ही लगातार दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं। वजह यह है कि दक्षिण भारत में लोकसभा की 130 से ज्यादा सीटें हैं, जहां बीजेपी इस बार कमल खिलाने की कोशिश में जुटी है, ताकि बीजेपी के 400 पार के नारे को हकीकत में धरातल पर उतारा जा सके। दक्षिण भारत की 130 सीटों में बीजेपी के पास अभी केवल 29 सीटें हैं और इनमें से बीजेपी की 25 सीटें अकेले कर्नाटक से हैं। ऐसे में पीएम मोदी के कर्नाटक दौरों को चुनावी नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। दक्षिण मिशन को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना का भी दौरा कर चुके हैं। और पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम एक खुला खत लिखा है। पीएम की इस चिट्ठी में क्या है, देखिए इस रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए एक खत लिखा है। पीएम मोदी ने चिट्ठी में लोगों को अपना परिवार जनकर संबोधित किया। खत के जरिए पीएम ने लोगों से विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए सुझाव मांगे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। पीएम ने देशवासियों से कहा है कि आपका और हमारा साथ अब एक दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा ये मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना खास है, ये शब्दों से बयां कर पाना मुश्किल है। मेरे परिवारजनों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव ही बीते 10 सालों में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि और पूंजी है। अपनी हर नीति, हर निर्णय के जरिए गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सरकार ने जो ईमानदार प्रयास किया है, उसके सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। पीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद और समर्थन हमें आगे भी मिलता रहेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रयास बिना थके, बिना रुके जारी रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। ठाणे में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने के संकेत दिए, तो चुनाव में अच्छे प्रदर्शन का भी दावा किया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में हुई टूट पर राहुल गांधी ने कहा कि इसका असर पार्टी पर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का कोई नहीं गया है, कांग्रेस एक बिल्कुल साफ खड़ी हुई है। वहाँ पे जरूर अशोक चौहान गए, मिलिंद त्योरा गए, और हमारी पार्टी इंटैक्ट है, वो कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने अमेठी लोकसभा क्षेत्र को कांग्रेस के लिए अहम बताया है और कहा है कि पार्टी जो आदेश देगी वही करेंगे। ये तो हमारी सीसी है, खारगे जी है, वो ऑर्डर देंगे, मैं करूंगा जो भी उनकी राय है। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, जो ऑर्डर मिलेगा करूंगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज मुंबई पहुंच रही है। मुंबई में कल राहुल इंडिया फ्रंट के नेताओं के साथ रैली करेंगे। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 63वां दिन, यात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव में मुंबई पहुंचेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता यहां राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। कल मुंबई के शिवाजी पार्क में विपक्षी गठबंधन इंडिया फ्रंट की रैली है, जिसमें गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे। बहुत बड़ी रैली होगी और राहुल जी के स्वागत के लिए पूरा इंडिया यहाँ पे उपस्थित रहेगा। इंडिया के लोगों को भी एक बड़ी उम्मीद है, हिंदुस्तान की जनता को उम्मीद है, राहुल जी से उम्मीद है। और राहुल जी का जो त्याग है वो सबको पता है, और राहुल जी देश के लिए लड़ रहे हैं, देश की संविधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, ये सबको दिख रहा है।
राहुल जी का स्वागत उस तरह से किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मुंबई की रैली में अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव, नेशनल फ्रंट नेता से फारूक अब्दुल्ला, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, दीपांकर भट्टाचार्य समेत और कई नेता रैली में शामिल होंगे। अब संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी से किसी को प्रतिनिधि के तौर पर भेजने पर सहमति दे दी है। तृणमूल कांग्रेस आज पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन करेगी और बीजेपी के खिलाफ रैली निकालेगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के एक बयान ने टीएमसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़का दिया। टीएमसी ने बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल ममता बनर्जी के चोट लगने पर शुभेंदु अधिकारी ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ममता के गिरने की आवाज धप धप जैसी लगती है। और लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी को झटका लगा है। टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी और अर्जुन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल के तमलुक से टीएमसी सांसद और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी और बैरकपुर सीट से सांसद अर्जुन सिंह शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो गए। अर्जुन सिंह के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार सिर्फ पुलिस और गुंडों के बल पर अत्याचार कर शासन में बने रहना चाहती है। इसका ताजा नमूना संदेश खाली में देखा है। राज्य में एक संदेश खाली नहीं, कई विधानसभा में संदेश खाली की तरह ही लोग जी रहे हैं। जो तृणमूल की सरकार जो वहाँ है उसको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस और गुंडों के बल पर अत्याचार करके शासन में बने रहना चाहती और उसका ताजा नमूना हम लोगों ने संदेश खाली में देखा। आपको मैं बताऊं, एक संदेश खाली नहीं, पूरा बॉर्डर इलाका से लेकर पूरे बंगाल का हर विधानसभा कहीं ना कहीं संदेश खाली की तरह वहां के लोग जी रहे हैं। वही दिव्येंदु अधिकारी ने भी टीएमसी छोड़ने की वजह संदेश खाली की घटना को बताया। और हिमाचल के अमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को वादा खिलाफी का जवाब दे। बिलासपुर में अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के झूठे वादे का जनता हिसाब कर देगी। हिमाचल की जनता इंतजार कर रही है, वोट की चोट राज्य की सरकार को ऐसी देगी कि वो भी बोलेंगे कि 15 महीने में जो वादा खिलाफी इन्होंने की है, जो वायदे पूरे नहीं किए, अब उसका करारा जवाब जनता देने के तैयार कर। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखने और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एक बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसमें एक सीट गठबंधन दल टीएमसी को दी गई। लिस्ट के मुताबिक यूपी के बिजनौर सीट से यशवीर सिंह, नगीना से मनोज कुमार, मेरठ से भानु प्रताप सिंह, अलीगढ़ से बिजेंद्र सिंह, हाथरस से जसवीर बाल्मीक और लालगंज सीट से दरोगा सरोज को टिकट दिया गया है। दरोगा सरोज लालगंज से सांसद भी रह चुके हैं, इसलिए पार्टी ने एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया है और लालगंज से प्रत्याशी बनाया है। वही भदोही लोकसभा सीट से पार्टी ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ दिया है। यहाँ से ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेंगे। टीएमसी विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच गठबंधन है। भदोही की सीट टीएमसी को दी गई है। चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीट दी है। इसमें वाराणसी के साथ साथ अमेठी और रायबरेली की सीट भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने तेलंगाना के भूपलपल्ली के एक अस्पताल में छापेमारी की। देखिए ये रिपोर्ट। भूपलपल्ली की मल्टी स्पेशलिटी पर छापेमारी की ये तस्वीरें हैं। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक डीसी अधिकारियों को बिक्री के लिए बड़ी मात्रा में दवाओं के अधिकृत स्टॉक मिले हैं। छापेमारी के दौरान 11 लाख रुपए से ज्यादा की दवाएं जब्त की गई हैं। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने हैदराबाद के एक अस्पताल पर भी छापेमारी की है और बिक्री के लिए बड़ी मात्रा में दवाओं के अधिकृत स्टॉक का पता चला है।
और जम्मू कश्मीर कल एक नया इतिहास रचने जा रहा है। श्रीनगर में कल पहली बार फॉर्मूला 4 कार रन का आगाज होने जा रहा है, जिसे लेकर जोर शोर से तैयारियां जारी। ये श्रीनगर में कल से होने जा रहे फॉर्मूला 4 कार रन के आगाज की तैयारी। श्रीनगर में यह फॉर्मूला 4 कार रन शो ललित घाट से नेहरू पार्क तक 17 मार्च से शुरू हो रहा है। कार शो में मशहूर फॉर्मूला ड्राइवर दर्शकों को रोमांचित करेंगे। ड्राइवर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्पीड और स्टंट में शामिल होंगे। सड़क के दोनों सी टाइप 2 लेयर बैरिकेड लगाए गए हैं। इसके अलावा 2 क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस और सिस्टम से लैस फायर ब्रिगेड के साथ 1 मेडिकल टीम की तैनाती के भी निर्देश दिए गए हैं। रेस को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन का कहना है कि श्रीनगर में फॉर्मूला 4 कार रेस की मेजबानी एक बड़ी उपलब्धि है। और अभी वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। उससे पहले आपको बता दें कि आज चुनाव तारीखों के ऐलान से ठीक पहले दोपहर 12 बजे TV9 भारतवर्ष लोकसभा चुनाव पर लेकर आ रहा है सबसे बड़ा और विश्वसनीय ओपिनियन पोल। TV9 भारतवर्ष की गारंटी, 543 लोकसभा सीट में हर एक सीट का सर्वे होगा। TV9 भारतवर्ष की गारंटी, नतीजे से पहले सबसे सटीक सर्वे रिजल्ट। और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे करेगा घोषणा। 543 सीटों पर 6 से 7 चरणों में चुनाव संभव। 17 से 20 अप्रैल के बीच पहले चरण की वोटिंग, 22 से 23 मई तक आखिरी चरण का मतदान संभव। मई के आखिरी हफ्ते में आ सकते हैं चुनावी नतीजे। यूपी बिहार बंगाल में 6 से 7 चरण में, राजस्थान में 2 से 3 चरण, MP में 3 से 4 चरण, महाराष्ट्र में 4 से 5 चरण में वोटिंग संभव। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में 1 चरण में वोटिंग संभव। तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 चरण में हो सकते चुनाव। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले दोपहर 12 बजे TV9 भारतवर्ष का सबसे बड़ा और भरोसेमंद ओपिनियन पोल। 543 लोकसभा सीट पर हर सीट का सर्वे। आज तेलंगाना के नगर कुरनूल में पीएम मोदी की जनसभा रैली के बाद चुनावी बैठक में होंगे शामिल। खगे के गढ़ से पीएम मोदी करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। कर्नाटक के कलबुर्गी में आज पीएम मोदी करेंगे जनसभा। पीएम का कल आंध्र के चिलकलुरिपेट में एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण भी होंगे शामिल। कल विशाखापट्टनम में एनडीए की रैली को संबोधित करेंगे पीएम। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण भी होंगे मौजूद। मद्रास हाई कोर्ट ने दी पीएम मोदी और पीएम मोदी के कोयम्बटूर रोड शो को मंजूरी। प्रशासन ने अनुमति देने से कर दिया था इनकार। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 18 मार्च को पीएम मोदी 4 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। के अन्नामलाई भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम लिखी चिट्ठी, का हमारी सरकार का 1 दशक पूरा। प्रधानमंत्री मोदी ने लेटर में लिखा, आपके समर्थन से नारी शक्ति वंदन कानून, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक जैसे बड़े फैसले लिए। पीएम ने विकसित भारत के लिए देशवासियों से मांगा सुझाव, कहा आपके विचारों सुझाव और समर्थन की जरूरत, मैं इसका इंतजार करूंगा। कन्याकुमारी में पीएम ने कहा, तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडिया अलायंस का सारा घमंड तोड़ देगा। केरल में पीएम ने कहा, कांग्रेस और वामपंथियों ने लूट लिया केरल, अब संस्कृति कुचलने का प्रयास। आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक संभव। मीटिंग में तय होंगे यूपी के 24 उम्मीदवार। नड्डा, शाह, योगी, भूपेंद्र चौधरी होंगे शामिल। 18 मार्च के बाद बीजेपी की तीसरी सीईसी की बैठक होगी। तीसरी लिस्ट फाइनल करने को लेकर होगा मंथन। 19 मार्च को कांग्रेस सीईसी की बैठक संभव। कांग्रेस प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट पर होगा मंथन। कांग्रेस अब तक 82 नामों का ऐलान कर चुकी है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने से ठीक पहले कांग्रेस ने दिया चुनावी नारा, हाथ बदलेगा हालात। चुनावी घोषणा पत्र पर 19 मार्च को हो सकती है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय के 5 स्तंभों पर केंद्र। यूक्रेन फोर्स का रूस सैन्य की गाड़ियों पर हमला, रूसी बुकान का और यूराल ट्रक तबाह, जान बचाकर भागे रूसी जवान। रूस यूक्रेन में आर पार की भीषण जंग जारी, यूक्रेनी फोर्स का विध्वंसक हमला, रूस का BTR टैंक तबाह। बाखमुत में भी यूक्रेन की भीषण बमबारी, रूसी बख्तरबंद गाड़ियां तबाह, रूसी फोर्स में खलबली। लुहांस में रूसी टैंक पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला, रूसी टैंक तबाह, सामने आया हमले का वीडियो। एंटी टैंक माइन से धमाका, रूसी फोर्स का सैन्य व्हीकल तबाह, रूसी जवानों की हुई मौत। सीएम केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिली राहत। आरजीडी के समन मामले में एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेशी।
केजरीवाल को ईडी के सामने पेशी से नहीं मिली राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट का ईडी के समन पर स्टे लगाने से इनकार। ईडी ने जारी किया 8 समन। दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता गिरफ्तार। ईडी ने हैदराबाद में 8 घंटे की रेड के बाद कार्रवाई की, जब्त किए 5 मोबाइल फोन। बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली स्थित ईडी ऑफिस लाया गया, आज कोर्ट में पेश कर मांगेगी रिमांड। दिल्ली में ईडी दफ्तर के बाहर धारा 144 लगाई गई। शराब घोटाला मामले में हुई है के कविता की गिरफ्तारी। के कविता की गिरफ्तारी पर ईडी अफसरों से भिड़े भाई केटीआर, कहा खिलजी की सेना ने छापा मारा, सुप्रीम कोर्ट को देना होगा जवाब। के कविता की गिरफ्तारी पर बीआरएस करेगी प्रदर्शन, तेलंगाना में आज राज्यव्यापी विरोध का ऐलान। बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी पर भड़के अखिलेश यादव, कहा हार के डर से विपक्ष को निशाना बनाना बीजेपी की हताशा। सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई की मांग को कोर्ट से मिली मंजूरी, याचिका पर 18 मार्च को सुनवाई। राहुल गांधी की यात्रा आज दोपहर तक मुंबई पहुंचेगी, कल दादर इलाके के शिवाजी पार्क में न्याय यात्रा की समापन रैली। राहुल गांधी की रैली में पवार, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, अखिलेश, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला समेत कई अन्य बड़े नेता शामिल होंगे। ममता बनर्जी, येचुरी और महबूबा मुफ्ती ने न्योते का नहीं दिया जवाब, इंडिया गठबंधन के नेताओं को रैली में किया गया आमंत्रित। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा देश की जनता को राहुल गांधी से काफी उम्मीदें, न्याय यात्रा से कांग्रेस को फायदा होगा। न्याय यात्रा के 62वें दिन पालघर में बोले राहुल गांधी, मेहनत करने में महिलाएं कभी पीछे नहीं हटती, उनके लिए गृहलक्ष्मी न्याय गारंटी। यूक्रेन में रिहायशी इमारत पर बमबारी, हमले में 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। यूक्रेनी सेना को रोकने के लिए रूस ने बेलगोरोड में वुर्सला नदी पर बना पुल तबाह किया। रूस के जंगलों में लगी आग, कई मकानों को भारी नुकसान, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। यूक्रेनी एयरफोर्स का हवाई हमला, रूसी मोर्टार सिस्टम तबाह, जान बचाकर भागते दिखे रूसी जवान। सीरियाई गृह युद्ध की 13वीं बरसी पर इदलिब में विरोध प्रदर्शन, दुनिया से शांति के लिए दखल की मांग। अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा पार्टी के अध्यक्ष खड़गे फैसला करेंगे कि अमेठी में से लोकसभा चुनाव लड़ूंगा या नहीं। अशोक चव्हाण और मिलिंद देवड़ा की पार्टी छोड़ने पर बोले राहुल गांधी, महाराष्ट्र में पार्टी एकजुट है, इनके जाने का कोई असर नहीं। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की हुई बैठक, सीट बंटवारे पर सहमति नहीं, केसी वेणुगोपाल और संजय राउत समेत कई नेता रहे मौजूद। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को झटका, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने एमबीए का प्रस्ताव ठुकराया। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की एक और सीट पर किया उम्मीदवार का ऐलान, साउथ मुंबई से अरविंद सावंत के नाम की घोषणा। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने कहा जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो मैं महाराष्ट्र के साथ कोई भेदभाव नहीं होने दूंगा। बिना सीट शेयरिंग के उम्मीदवार ऐलान पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कड़ी आपत्ति जताई, कहा एमबीए में सीटों का बंटवारा कब बाकी। बीजेपी के 400 पार के दावे पर टीवी 9 भारत वर्ष के 5 एडिटेड शो में बोले सचिन पायलट, जिसका बटन दबेगा वो राज करेगा। टीवी 9 भारत वर्ष पर सचिन पायलट ने कहा 10 साल में अपने वादे पूरे नहीं कर पाई बीजेपी, बीजेपी सांसदों ने राजस्थान के लिए कुछ नहीं किया। लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले पायलट, पार्टी के आदेश का करूंगा पालन, हमें युवा प्रतिभा को आगे करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की चौथी लिस्ट, 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। एआईयूडीएफ असम की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 3 उम्मीदवार घोषित। लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी को झटका, बीजेपी में अर्जुन सिंह ने की घर वापसी, शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी भी शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले अर्जुन सिंह, पुलिस और गुंडों के बल पर शासन कर रही ममता बनर्जी। यमन की राजधानी सना में फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, गाजा पर बमबारी रोकने की मांग। यमन में प्रदर्शन के दौरान हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में टैंकर पर भी हमला किया, गाजा के समर्थन में हूती के हमले जारी। गाजा पट्टी में राहत सामग्री का इंतजार कर रहे लोगों पर फायरिंग, आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। आईडीएफ का दावा, फिलिस्तीनी बंदूकधारियों ने ही गाजा में लोगों पर फायरिंग की, मामले की जांच जारी। पुतिन ने मॉस्को में अपने घर में ऑनलाइन वोट डाला, आम लोगों से भी मतदान बढ़ चढ़कर करने की अपील की। हिमाचल में बोले अनुराग ठाकुर, हम चाहते हैं जल चुनाव हो ताकि यहां की जनता मुंहतोड़ जवाब दे। टीएमसी का आज पश्चिम बंगाल में विरोध रैली का आह्वान, ममता बनर्जी की चोट पर शुभेंदु अधिकारी ने की थी टिप्पणी। हरियाणा में बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी की बड़ी बैठक, दुष्यंत चौटाला आगे की रणनीति पर नेताओं के साथ करेंगे चर्चा। जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला का ऐलान, ज्यादा ताकत से लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, रैली में नहीं आने वाले विधायकों पर होगी कार्रवाई।
बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला की पूर्व सीएम खट्टर से मुलाकात। दुष्यंत ने कहा, हमने हरियाणा के हित में फैसले किए। हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह बोले, हम हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतकर मोदी जी को पीएम बनाएंगे। हरियाणा सरकार ने दी सौगात, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी, 1 जनवरी से आदेश लागू। दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पारित, मुख्य सचिव को 1 हफ्ते में पानी की समस्या निपटाने का निर्देश। दिल्ली सरकार ने पानी और सीवर की समस्या को लेकर दिए जांच के आदेश, जल मंत्री आतिशी बोली, जवाबदेही तय की जाएगी। नीतीश कैबिनेट का विस्तार, 21 मंत्रियों ने शपथ ली, बीजेपी से 12, जेडीयू से 9 मंत्री, जेडीयू के रिपीट, बीजेपी से आधे नए चेहरे, सरकार में कुल 30 मंत्री। बिहार कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले मंगल पांडे, तीसरी बार मंत्री बनाने के लिए पीएम शाह नड्डा का आभार। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले पशुपति पारस बीजेपी से नाराज, बोले हमारी पार्टी को तरजीह नहीं, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान, कहा हमारे तीनों सांसद अपनी सीट से चुनाव लड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की तबियत बिगड़ी, सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। चुनाव से पहले भुवनेश्वर में उड़िया अभिनेता अरिंदम रॉय ने बीजेपी से इस्तीफा दिया, थामा बीजेपी का दामन। तेलंगाना में पूर्व बीजेपी सांसद जितेंद्र रेड्डी अपने बेटे के साथ कांग्रेस में शामिल। सीएए पर बोले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, धर्म के आधार पर नागरिकता दी जा रही। एसपी सांसद डिंपल यादव ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा सिर्फ भारत में ही ईवीएम का इस्तेमाल। रूस में मतदान केंद्र पर फायरिंग, आरोपी ने पोलिंग स्टेशन के दरवाजे पर आगजनी की। रूस के युग्रा में भी पोलिंग स्टेशन पर एक महिला ने लगाई आग, रूस में 17 मार्च तक जारी रहेगी वोटिंग। रूस के बेलगोरोड में भी पोलिंग स्टेशन पर मतदान के दौरान धमाका, जान बचाकर भागते दिखे लोग। बेलगोरोड में हवाई हमले की आशंका में बजते रहे सायरन, धमाकों की आवाज से दहशत में लोग। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक घर में लगी भीषण आग, 2 लोग घायल, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जेएनयू में 22 मार्च को होंगे छात्र संघ चुनाव, छात्र संघ के 4 पदों के लिए 170 नामांकन भरे गए। मौजूदा दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति की समय सीमा के केजरीवाल सरकार ने बढ़ाई, जून तक दिया गया विस्तार। नौसेना स्टाफ चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा, महिला अग्निवीर का पुरुष अग्निवीरों से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन देखने को। महाराष्ट्र में टीचर्स के लिए नया ड्रेस कोड लागू, साड़ी सलवार और शॉर्ट पैंट में ही जाना होगा स्कूल। महाराष्ट्र में टीचर्स को स्कूल में जीन्स और टी शर्ट पहनने की अनुमति नहीं होगी, शिक्षा विभाग का फैसला। मुंबई में खजूर चॉकलेट के पैकेट में छिपाकर हो रही सोने की तस्करी, करोड़ों का सोना जब्त। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में होली का उल्लास, फूलों की बारिश, संग जमकर तिरके विदेशी मेहमान। पहली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने हैदराबाद से, हैदराबाद में भीषण आग का कहर देखने को मिला, तेल के गोदाम में लगी आग, आग से पूरा गोदाम जलकर खाक हुआ, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, रूस के जंगलों में विकराल हुई आग, भीषण आग से कई घर जलकर खाक हुए, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, मॉस्को में इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाका, स्कूटी में धमाके के बाद इमारत में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इमारत में आग लगी और स्कूटी में धमाके के बाद ये आग। चौथी वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका से, अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण आग से तबाही, एक घर में लगी आग ने आग से पूरे इलाके में तबाही मची, हादसे में 2 लोगों की मौत। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग जम्मू कश्मीर से है, जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, मुगल रोड से बर्फ हटाने की कोशिश जारी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भारी बर्फबारी के बाद सड़कों को साफ करने की कोशिश की जा रही है, बर्फ को हटाने का प्रयास किया जा रहा है।
और अगली वीडियो ब्रेकिंग आपको बता दें, ये देखिए किस तरीके से भारी बर्फबारी हो रही है। अमेरिका के कोलोराडो में भीषण बर्फबारी हुई है, कई फुट तक बर्फ जम गई है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कोलोराडो की तस्वीर है ये, जहां भारी बर्फबारी हुई है। एक तरफ जहां सैलानी या इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि सड़कों पर कई फुट तक बर्फ जम गई है। और सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, ओहियो से टोरनेडो का डरावना वीडियो सामने आया है। पूरी रात भयानक तरह से कड़कती रही बिजली, ओहियो में टोरनेडो से भारी तबाही की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए अगली वीडियो ब्रेकिंग, सीरिया में युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं लोग। इदलिब में लाखों लोगों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने युद्ध रोकने की मांग की है। देखिए लाखों लोगों का सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है, इदलिब की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने युद्ध रोकने की मांग की है और इसी को लेकर के सड़कों पर एकजुट हुए हैं ये लोग, जहां पर नारेबाजी की जा रही है। और बड़ी खबर है, गाजा युद्ध के खिलाफ यमन में भारी विरोध हो रहा है। जंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं लाखों लोग, इसराइल के खिलाफ लगाए गए हैं नारे। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है, अर्जेंटीना में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। आर्ट फंडिंग में कटौती का विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। और अब आपको दिखाते हैं 11वीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका और साउथ कोरिया की ड्रिल, लड़ाकू विमानों ने दागी मिसाइलें, फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज से दहला किम। और 12वीं वीडियो ब्रेकिंग, समंदर में रूस की नेवी का युद्धाभ्यास, रूसी सेना ने समंदर में बरसाए गोले, वॉरशिप और हेलीकॉप्टर से ट्रेन। और 13वीं वीडियो ब्रेकिंग, रूस के बड़े हमले से जुड़ी हुई यूक्रेनी पोस्ट पर रूस की बारूदी बौछार, एमएलआरएस से यूक्रेनी पोस्ट पर दागे रॉकेट, अवदीवका में कई यूक्रेनी पोस्ट तबाह। ये 14वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, रूसी ठिकानों पर यूक्रेन की ताबड़तोड़ गोलाबारी, यूक्रेनी हमले में रूस का एमएलआरएस पूरी तरह से तबाह। और 15वीं वीडियो ब्रेकिंग, बोस्टोक में रूसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यूनिट का एक्शन, यूक्रेनी ठिकानों पर बरसाई मिसाइल।
और अगली वीडियो ब्रेकिंग देखिए, यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने गिरा रूसी ड्रोन। रूस ने यूक्रेन पर किया था ड्रोन अटैक, स्ट्रेला सिस्टम से यूक्रेन ने गिरा ड्रोन। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग, यूक्रेनी रीजन से ओडेसा में रूस की मिसाइल हमले के बाद तबाही। रूसी हमले में 20 लोगों की मौत, कई घायल। मिसाइल हमले के बाद पूरे इलाके में आग लग गई। अगली वीडियो ब्रेकिंग देखिए, राहत सामग्री लेकर गाजा पहुंचा सबसे बड़ा शिप। जहाज के जरिए भेजी गई 200 टन राहत सामग्री।